नमस्ते फ्रेंड्स, मिसेस होम मेकर विथ न्यू आइडियाज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मैगी बर्गर बताने जा रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप इसे बच्चों की टिफिन में भी बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो यूं ही मैगी पसंद करते हैं खाना। इस स्नैक्स को आप ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स, और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कैसा लगा। मैगी बर्गर बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है फ्रेंड्स, मैंने आधा कटोरी सूजी लिया है। एक सूजी आप कोई भी ले सकते हैं। इसी के नाप के अनुसार मैंने दही लिया है, दो पैकेट मैगी, दो मीडियम साइज़ के प्याज, आधो टमाटर। एक पैकेट मैगी के लिए एक प्याज आप यूज़ करिएगा। स्पाइसेस में नमक चाहिए और गोलकी पाउडर चाहिए। सबसे पहले हम सूजी और दही को मिक्स कर लेंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। पानी कम हो तो पानी थोड़ा ऐड कर दीजिए और अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। बैटर तैयार हो गया है, सूजी फूलती है, इसलिए अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ढककर। अब बाकी की तैयारी करते हैं। प्याज को रफली चॉप कर लेते हैं छोटे छोटे, और टमाटर को भी चॉप कर लेते हैं तब तक, और साथ ही साथ मैगी को बॉईल कर लेते हैं और पानी निकाल लेते हैं मैगी से। प्याज और टमाटर को रफली चॉप कर लिया है मैंने, अब मैगी को बॉईल कर लेती हूँ। इसमें हमें मैगी मसाला नहीं डालना है, केवल प्लेन उबालना है। अब मैगी के स्ट्रेनर में डालकर छान लेते हैं। ये जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। गैस पे पैन चढ़ा देते हैं और कुकिंग ऑयल डालते हैं, 2 से 3 चम्मच डालेंगे। अब सूजी भी फूल गया है, 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 2 चुटकी खाने वाला सोडा डालेंगे, या फिर आप इनो फ्रूट सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा सा पानी डालकर एक्टिवेट कर देंगे और मिक्स करेंगे। अब एक दूसरा बर्तन लेंगे, उसमें पानी डाल देंगे और उसमें एक स्टैंड डाल देंगे। पानी को उबलने दें। पानी जब तक उबल रहा है हम अपनी सूजी के बैटर को एक कटोरा में डाल देते हैं। अब इसे टैप कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखें जिस बर्तन में आप बैटर डाल रहे हो वो बैटर आधा भरा हो और आधा खाली हो। आप एक बार में 2-3 इस्तेमाल कर सकते हैं बर्तनों में, मैं एक ही बर्तन में इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी खोल गया है, अब इसमें हम ये बैटर डाल देते हैं और ढक देते हैं, और कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब जो मैंने पैन चढ़ाया है उसमें कुकिंग ऑयल डाल देती हूँ। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें प्याज ऐड कर देते हैं और उसे गुलाबी होने तक भूनते हैं। मैगी जब हो जाए तो इसे इसी तरह स्ट्रेनर में मत छोड़िएगा, नहीं तो ये चिपक जाएंगे। इसे एक थाली में फैला दीजिए। प्याज गुलाबी ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी, और टमाटर और प्याज के अनुसार बस हल्का सा नमक ऐड करूंगी ताकि टमाटर गल जाए। इसे ढक देते हैं, फ्लेम को लो कर देते हैं जब तक टमाटर गल नहीं जाते। टमाटर मैशी हो गए हैं, अब इसमें हम मैगी मसाला डालेंगे। मैगी मैंने 2 पैकेट यूज़ किया है, इसलिए 2 पैकेट मैगी मसाला डाल रही हूँ। साथ ही थोड़ा गोलकी पाउडर। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इस समय आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, और वेजिटेबल्स में हरी मटर, गाजर, ये सब भी ऐड कर सकते हैं इस स्टेज में। अब इसमें मैगी ऐड कर देते हैं और अच्छी तरह मिक्स करते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स करके भूनिए।
मसाला अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब ये तैयार है मैगी स्टफिंग के लिए। अब गैस को बंद कर देते हैं और धनिया पत्ता ऐड करके मिक्स कर देते हैं। मैगी को साइड में रख देते हैं। अब हम सूजी का बैटर चेक कर लेते हैं वो तैयार हुई है कि नहीं। ये तैयार हो गई है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं थोड़ी देर। अभी सूजी का बैटर ठंडा हो चुका है। अब इसे हम किनारे से कट कर लेते हैं और इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। मैंने मीडियम साइज़ की कटोरी ली है। आप चाहे तो छोटे छोटे कटोरे में बहुत सारे बना सकते हैं एक साथ। देखिए कितना स्पंजी बना है। अब इसे हम इस तरह से 20 से दो पीस कर लेते हैं। मैंने दो पार्ट में इसे डिवाइड कर लिया है। इस पार्ट को निकाल लेते हैं। अब इसमें हम सॉस स्प्रेड करेंगे। और दूसरे वाले में हरी चटनी। छोटे बच्चे खा रहे हों तो आप हरी चटनी को अवॉइड कर सकते हैं। अब हमने जो फ्राई मैगी तैयार की है उसे डालेंगे। इसके बाद आप इस पर चाहे तो चीज़ ग्रेट कर सकते हैं, बटर ग्रेट कर दीजिए और साथ ही साथ पनीर भी ग्रेट कर दीजिए। मैंने ये सब ग्रेट नहीं किया। आप सेकेंड वाला पार्ट को इस पर डाल दूँगी। इस तरह हमारा टेस्टी मैगी बर्गर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसा लगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।